हेलो नमस्कार, मेरा नाम है ओमकार और आज हम देखने वाले हैं 2011 की एक यूज्ड ऑडी Q5 जो कि आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं वाइट कलर में। और ये जो गाड़ी है ये मात्र 13.5 लाख में आप खरीद सकते हैं। CBU यूनिट है 2011 का, डीजल गाड़ी है। सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको आपकी भी कोई गाड़ी होगी, अगर आपको सेल करनी होगी तो आप हमारे चैनल के ऊपर जो सेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जो DM कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी तो हम लेंगे इस गाड़ी की डिटेल, तो उसके लिए एक बार मैं अपना कैमरा जो है हाथ में ले लेता हूँ। ये है 2011 की ऑडी Q5, सेकेंड ओनर गाड़ी है वैसे और डीजल गाड़ी है। कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह की कंडीशन के साथ आपको ये गाड़ी मिलती है। और एक चीज़ की इस गाड़ी के अंदर आपको V6 इंजन मिलता है, डीजल V6 इंजन है, तो जो गाड़ी है वो काफ़ी पावरफुल होने वाली है। और ये जो V6 इंजन है ना, ये बहुत ही मतलब रेयर है Q5 के अंदर। तो एक बार हमें ऋषिकेश भाई इस गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाए गए। तो ये हो चुकी है गाड़ी स्टार्ट और यहाँ पे आप इंजन नॉइज़ वगैरह सुन सकते हैं। जो नॉर्मल डीजल इंजन की आवाज़ आती है उतनी आपको आवाज़ मिलती है, ज़्यादा कुछ ऐसी खुड़खुड़ खड़खड़ आपको आवाज़ यहाँ पे जो है नहीं मिलती है। तो नॉर्मल मतलब 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चली है तो आपको थोड़ी बहुत जो है ये आवाज़ आ सकती है, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं है, कुछ ऐसा आपको इश्यू यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। थोड़ी सी पास से दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखना काफ़ी कम स्क्रैचेस आपको इस गाड़ी के ऊपर मिलते हैं, मतलब ऑलमोस्ट दिखते भी नहीं है। और अभी थोड़ा मतलब इस गाड़ी के ऊपर जो है आपको धूल भी दिख रहा होगा, बिकॉज़ यहाँ पे हम जो एरिया में आए हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी है। तो ये है इस गाड़ी की चारों ओर से कंडीशन, आप पीछे से भी देख सकते हैं कि गाड़ी किस तरह से दिखती है। तो ओवरऑल जो बाहर से कंडीशन है ना, वो तो आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। हेडलैम्प्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ आती है। और फ्रंट आप यहाँ पे ग्रिल देख सकते हैं। क्वाट्रो की आपको यहाँ पे बैजिंग मिलती है, बिकॉज ये जो गाड़ी है ये क्वाट्रो सिस्टम के साथ आती है, मतलब 4-व्हील ड्राइव के साथ ये गाड़ी आती है। और ये है इस गाड़ी का इंटीरियर, इंटीरियर भी आप देख सकते हैं, ग्रे एंड बेज कलर का इसको इंटीरियर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप उसकी भी कंडीशन देख सकते हैं, आपको किस तरह की कंडीशन में गाड़ी मिलती है। एक बार स्टार्ट भी करके दिखाता हूँ। तो की अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये है इस गाड़ी की आपको कुछ इस तरह की मिलती है, यहाँ पे आपको सिंपली प्लग इन करनी है। और स्टार्ट करके एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। इस गाड़ी के अंदर जो साउंड सिस्टम आता है ना, वो भी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मिलते हैं साउंड सिस्टम को लेके। म्यूज़िक क्वालिटी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो डेफिनेटली साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बिकॉज इसके अंदर जो साउंड सिस्टम है ना वो काफ़ी अच्छा वाला लगा हुआ है, जो कि कंपनी की तरफ से ही आता है। 2011 के अंदर का ये जो CBU यूनिट है, इसका जो साउंड सिस्टम है ये काफ़ी अलग था नॉर्मल अपनी जो 2015 के अंदर भी Q5 आती थी ना, उससे भी काफ़ी डिफरेंट था। बाकी तो गाड़ी मतलब यहाँ पे आप बटन्स वगैरह देख सकते हैं, आपको कोई भी घिसावट वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है इस गाड़ी के अंदर। और ओवरऑल अगर आप कंडीशन भी देखें ना, तो भी ठीक ठाक सी कंडीशन यहाँ पे मिल जाती है। सीट्स के अंदर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर आपको पैनोरमिक सनरूफ मिलता है। और यहाँ पे आप कुछ यहाँ से इसको जो ये खोल पाओगे तो यहाँ से खुलेगा, एवरीथिंग इज़ वर्किंग। यहाँ पे स्टेजेस में खुलता है, आपको कोई भी यहाँ पे जो ये दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। एंड ये यहाँ पे कुछ आपके वैनिटी मिरर्स है। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे इसके फ्रंट में मिलती है कंडीशन के अंदर। इंजन को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ और पीछे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे ये है इस गाड़ी की पिछली कंडीशन। ये जो आप पीछे के साइड में ये जो सिस्टम्स देख रहे हैं ना, ये स्क्रीन्स देख रहे हैं, ये भी कंपनी की तरफ से ही आती थी, उसके अंदर एक्सेसरीज में होगी शायद से, बट आपको कंपनी से ही मिलती है। और यहाँ पे ये बीच में आपको ये कप होल्डर्स मिलते हैं, जो कि अगेन मतलब काफ़ी अच्छी कंडीशन में आपको यहाँ पे भी जो है कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी। और ये है गाड़ी की ओवरऑल पीछे से कंडीशन। बूट स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मुझे एक बार की ही लेके आनी पड़ेगी, बिकॉज की से अब इसकी जो बूट है वो अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बूट को अनलॉक कर लेते हैं और ये है इस कार की बूट स्पेस। तो बूट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह की है, कितनी स्पेस है। यहाँ पर नीचे स्पेयर व्हील दिया गया है, स्पेस वैसे काफ़ी ज़्यादा है।
और ये है कुछ इस गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन। पीछे के साइड में आपको पार्किंग कैमरा भी मिलता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि अगेन 2015 के अंदर जो क्यूफा आया थी ना उसके अंदर भी आपको नहीं मिलता था। तो ये भी आपको एक मतलब CBU यूनिट होने की वजह से आपको ये एक प्लस पॉइंट मिलता है इस गाड़ी के अंदर। और जैसे कि ये 2011 की CBU यूनिट ऑडी Q5 है, डीजल Q5 है, तो आपको इसके अंदर मतलब बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ी अलग मिल सकती है। बाकी तो अगर हम बात करें इस गाड़ी के डील की, तो डील तो मैंने आपको पहले बोल दी है। वैसे 2011 की गाड़ी है, 13.5 लाख की इसकी ऑफर है, सेकेंड ओनर कार है, 1 लाख किलोमीटर गाड़ी जो है चल चुकी है, और ये है कुछ इस गाड़ी की डील। बाकी तो अगर आपको ये गाड़ी अगर लेनी होगी ना, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो ये मैं कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर दूंगा, लोकेशन प्रोवाइड कर दूंगा, आप इस गाड़ी को जो बाय कर सकते हैं नासिक में। अगर आपको नासिक के बाहर से भी इस गाड़ी को अगर बाय करना है ना, तो वो तब भी आप जो है यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको जो है कॉल पर मिल जाएगी। अगर आपको आपकी भी गाड़ी रिव्यू करवानी है, तो आप ज़रूर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमें जो ये फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप हमें जो है DM कर सकते हैं, और हम आपकी गाड़ी भी जो है रिव्यू कर देंगे, चाहे वो यूज्ड कार हो या चाहे वो अगर आपको ओनर्स एक्सपीरियंस देना हो, वो भी आप हमारे चैनल के ऊपर जो शेयर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको आज का वाला वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ऐसे अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।